नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में महापौर और पार्षदों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। बसपा पार्षद कप्तान सिंह ने जहां पार्षदों के हर पत्र का जवाब देने का प्रस्ताव लगाया, वहीं महापौर ने डोर टू डोर कलेक्शन कंपनी के कर्मचारियों की संख्या और उसका भुगतान रोकने के आदेश दिए। महापौर ने प्रकाश व्यवस्था का कार्य देख रहे अधिशासी अभियंता पंकज भूषण से विद्युत का चार्ज वापस लेने के भी आदेश दिए हैं। नगर निगम सदन और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य की कमी नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में साफ देखी गई। महापौर हिमलता दिवाकर नगर आयुक्त को कई मामलों में पहले भी पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन कोई जवाब अब तक नहीं मिला, जिस पर महापौर ने नाराजगी व्यक्त की। महापौर ने नगर में कूड़ा नहीं उठने पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कंपनी का भुगतान रोकने के साथ ही थर्ड पार्टी से जांच कराने के लिए कार्यकारिणी को निर्देशित किया। कार्यकारिणी है आज और कई सारे सब्जेक्ट हैं जिन पर चर्चा भी हुई है और कुछ कार्यकारिणी ने कुछ सब्जेक्ट पास भी किए हैं। एक तो आपको शायद पता होगा कि डोर टू डोर कलेक्शन का जो इतना सारा मुद्दा उठा हुआ है, कंपनी काम नहीं कर रही है और पूरा शहर अभी क्योंकि अभी नई सरकार को बने भी 3 महीने हो गए और अभी पूरा तरीके से शहर साफ नहीं हुआ है, तो अभी ये मुद्दा उठा था, कार्यकारिणी ने रखा भी था। और अभी मैंने तो अभी यही जानना चाहा कि बस एक तो मुझे जो कंपनी लगी हुई है उसके पास कर्मचारी कितने हैं, वो कितने घंटे काम करते हैं, ये सब सूचना मुझे नहीं है, तो अभी मुझे कंपनी का नाम दिया जाए, कंपनी का पेमेंट रोका जाए और थर्ड पार्टी से उसकी जांच भी कराऊंगी और जो पेमेंट है उसका वो पेमेंट रोक दिया जाए, ये अभी नगर आयुक्त साहब को मैंने आदेश किया। प्रकाश व्यवस्था का प्रभार देख रहे अधिशासी अभियंता प्रकाश भूषण से प्रकाश व्यवस्था का चार्ज वापस लेने के लिए निर्देश भी कार्यकारिणी ने नगर आयुक्त को दिए। आपने भी देखा पिछली बार जब बजट पास हुआ था तो एक मुद्दा उठा था लाइट को लेकर, लेकिन हमारे अधिकारी गण हैं पंकज भूषण जी जो लाइट का व्यवस्था देखते हैं, लेकिन उनका कहना ये था कि मैं इस लाइन का नहीं हूँ और मुझसे ये कार्य नहीं संभाला जाता है। आपने भी देखा होगा कि और हाउस में मिनट्स में भी हुआ उसे और आज भी वही व्यवस्था है। आज मैंने पंकज जी से पूछा लाइट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो शायद उनके पास नहीं थी, तो मुझे गोलमोल जवाब पसंद नहीं आते हैं, जो स्पष्टीकरण हो वो अपना स्पष्टीकरण दे। और मैंने नगर आयुक्त साहब को भी उस दिन भी कहा था कि इनको हटा के कोई दूसरा विभाग में किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ये लाइट वाला विभाग दे दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो अभी नगर आयुक्त साहब से आप लोग जवाब कर सकते हैं कि अभी तक ऐसा क्यों हुआ। समस्त अधिकारी जितने भी नगर निगम में मौजूद हैं उनको ये कहा गया है प्रस्ताव के माध्यम से कि जो भी कार्य जनता के बताए जाते हैं पार्षदों के द्वारा आप उसका जवाब दीजिए कि कार्य क्यों नहीं हो पाए, और हमारा ये अधिकार है, हम माननीय हैं, इतना सम्मान हमारा होना चाहिए, अगर इतना भी सम्मान नहीं होता है तो ना किसी निगम में चुनाव की आवश्यकता है ना पार्षद की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो भी समस्या लाते हैं जनता की लाते हैं, जनता के बीच की लाते हैं, जब पार्षद की सुनवाई नहीं है तो जनता की क्या सुनवाई होगी। कार्यकारिणी में बसपा पार्षद ने अधिकारियों पर पार्षदों की अनदेखी का प्रस्ताव लगाया था, जिस पर महापौर भी सहमत दिखी। कार्यकारिणी की बैठक करीब 5 घंटे तक चली। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सी न्यूज़ के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।